क्या कभी आपने किसी किन्नर का अंतिम संस्कार होते हुए देखा है? मैं ये चीज 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप किसी 1000 लोगों से भी पूछोगे ना, तो उसमें भी मुश्किल से कोई एक बोल दे कि हाँ मैंने देखा है। पर ऐसा क्यों? उनकी मौत हमसे क्यों छुपाई जाती है? इसके पीछे क्या है वो सबसे बड़ा कारण? इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पर इससे पहले, इस वीडियो का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया। तो चलिए फिर जानते इसका रियल कारण। वेल दोस्तों, दुनिया में बहुत से प्रकार के धर्म होते हैं और उन सब का अलग अलग नियम होता है। उनका आप कुछ भी रीति रिवाज उठा लो, अलग अलग धर्म के अलग अलग रिवाज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियन में सफेद कपड़े पहनकर शादी की जाती है, हिंदुओं में सफेद वस्त्र मरने पर पहने जाता है। सिमिलरली उसी तरह किन्नरों का भी एक समाज होता है और उनके भी कुछ रीति रिवाज होते हैं जो हम सब से बहुत ही अलग होते हैं। आपको पता है हम सब ने क्यों अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं देखा है? क्योंकि वो लोग अपने ग्रुप के अलावा किसी बाहर व्यक्ति को पता ही होने नहीं देते हैं कि उनके ग्रुप का किसी का मौत हो गया है, जिस वजह से वो लोग बीच रात में डेड बॉडी को ले जाते हैं। उन लोगों में एक बहुत ही अद्भुत स्पिरिचुअल पावर होता है, जिससे उन लोगों को अपनी मौत का कुछ दिन पहले से ही अंदाजा हो जाता है और फिर वो लोग अपना खाना पीना सारा चीज छोड़ देते हैं। हम लोगों में किसी प्रियजनों का मृत्यु हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं? सभी शोक मनाते हैं, रोते हैं। बट वो लोग पता है, उन लोगों में अगर किसी का मौत हो जाता है तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। मतलब उन लोगों का मानना है कि ये जो जिंदगी उन लोगों को मिला था वो नर्क से कम नहीं था। लोगों से दूर, समाज से दूर, सभी तरह की परेशानियां उन लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। कितने किन्नरों को तो बचपन में ही घर से भगा दिया जाता है। यही कारण है कि उन लोगों की ग्रुप में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो लोग खुशियां मनाते हैं। मतलब उनका कहना है कि ये जो नर्क जिंदगी जो उसको मिली थी वो अब समाप्त हो गई है, मतलब वो अब आजाद हो गया है, उसे आजादी मिल गई है। और जिस तरह हम लोगों को चार कंधों पर ले जाया जाता है, उन लोगों में बिल्कुल अलग होता है, जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। मतलब एक तो उन्हें टांग कर खड़ा करके लेके जाया जाता है, प्लस उनकी ग्रुप उन्हें चप्पल जूते से पीटती है। ऐसा इसलिए अगर इस जन्म में उनसे कुछ भूल चूक हो गई हो या कुछ भी उन लोगों ने गलत किया हो और अगले जन्म में वो इस रूप में ना जन्म ले, उनका भी जन्म नॉर्मल इंसान में हो। इसी कारण उन लोगों को रात के अंधेरे में ले जाकर दफनाया जाता है। और इस चीज का वो लोग बहुत ही सावधानी से ध्यान रखते है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति उनका अंतिम संस्कार ना देख ले। उनका मानना है कि अगर उनके अंतिम संस्कार को अगर किसी ने देख लिया तो उस किन्नर का फिर से उसी रूप में जन्म होगा जो वो बिल्कुल भी होना नहीं चाहेंगे। इस वीडियो से कुछ नया जाना तो वीडियो को लाइक देना, शेयर करना, और कभी बाय चांस अगर देख रहे हो कि उनका अंतिम संस्कार हो रहा है तो प्लीज वहाँ मत जाना। जब उन्हें इस चीज से प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके क्या मिलेगा? इस वीडियो का यही मकसद था, आपको जानकारी देना। वैसे और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर दो। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।